जबलपुर के रानीताल में दुर्गा पंडाल लगाने को लेकर समिति और प्रशासन के लोग आमने सामने आ गए। दुर्गा उत्सव समिति जिस स्थान पर दुर्गा पंडाल लगाना चाहती थी वहां पर ओवर ब्रिज और गार्डन का निर्माण होने से समस्या उत्पन्न हुई। समिति के लोगों ने रात में ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। आपसी सहमति होने के बाद धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ और समिति के लोगों ने प्रशासन द्वारा सुझाए गए स्थान पर दुर्गा पंडाल निर्माण का निर्णय लिया। देखिए, शुरू में डिमांड आई थी समिति द्वारा, जो वो आइलैंड एरिया कच्चा एरिया है जो हमने डेवलप किया उस पर, परंतु उसके नीचे जो है बिजली की केबल गई हुई है, चूंकि यहाँ कॉन्क्रीट रोड बनी है तो इसलिए समस्त ऐसी रिपेयरेबल जो चीज़ होती हैं या कहाँ से केबल जो डाली गई हैं, कच्चे एरिया और डिवाइडर का जो कच्चा एरिया वहाँ डाली गई हैं, तो इन कच्चे एरिया में डालने का यह है कि भविष्य में उनकी मेंटेनेंस या कुछ होती है प्रॉब्लम तो उन केबल को वहाँ से रिप्लेस किया जा सके ताकि रोड को ना खोदना पड़े। अब उस स्थान पर यदि हम अनुमति देते हैं, बारिश होती है और पानी की भी लाइनें डली हुई हैं, यदि कोई लीकेज हो पानी का और पानी के कारण यदि कहीं कोई करंट फैल जाए तो किसी प्रकार की जनहानि होने की पूरी पूरी संभावना है, अतः हमने उसको मना किया कि आप उस स्थान पे मत लगाइए। अभी क्या डिसीजन हुआ? अभी शायद अभी आप ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन जो है उनको बता रहे हैं, जो उचित जगह उनको लगेगी ट्रैफिक व्यवस्थाओं के हिसाब से वो प्रशासन को उस स्थान पे वो अनुमति देंगे। हमारा जो पॉइंट था PWD का सिर्फ यही था कि सेफ जगह नहीं थी इसलिए हमने आपत्ति, बाकी कहीं और लगाना नहीं लगाना वो हमारी जिम्मेदारी थी। आज हमारे रानीताल चौराहे पर हमारी दुर्गोत्सव समिति, जो पिछले कई वर्षों से लगातार यहाँ पर दुर्गा जी रखी जाती हैं, ये धार्मिक आस्था और श्रद्धा का स्थल है और आप देख रहे होंगे कि चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बुजुर्ग हों सब मिलकर दुर्गा जी रखते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल ओवरब्रिज बनने के कारण इस चौराहे पर एक स्थान जहाँ पर वो यहाँ दुर्गा जी रखते थे वहाँ एक गार्डन बन गया है और उस गार्डन के नीचे इलेक्ट्रिक वायर होने के कारण समिति ने ये निर्णय लिया है कि दुर्गा जी अब इस जगह पर ना रखकर थोड़ी आगे रखी जाएगी। प्रशासन भी पूरा सहयोग कर रहा है और साथ में समिति ने अपना बड़प्पन दिखाते हुए ये तय किया है कि सुरक्षा और विकास दोनों जबलपुर शहर के लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए समिति के सभी सदस्यों ने मिलकर ये तय किया है कि उन्होंने अपना स्थान का परिवर्तन किया है। बीच में जरूर थोड़ी बहुत नोक झोंक दिख रही थी, लेकिन हम सब लोगों ने बातचीत कर समिति और प्रशासन के बीच में सेतु का काम कर और फिर उसके बीच का रास्ता हम सब ने निकाला है। यहाँ पर एक समिति के द्वारा प्रतिमा रखने को लेकर अपनी बात रखी गई है, उनका कहना था कि ऊपर जो शासकीय एक गार्डन जैसा बना हुआ है उसके ऊपर रखने की बात वो कह रहे थे, जिसको लेकर उन्होंने अपना पक्ष रखा है और सभी अधिकारी यहाँ पर पहुँचकर उनकी समस्या का निराकरण किया है। माननीय विधायक जी ने भी उनकी बात सुनी है, अभी सभी में सहमति बन गई है कि जो सड़क के एक तरफ किनारे पर कॉर्नर पर वो लोग अपना पंडाल वगैरह लगाकर और एक आयोजन करेंगे और वो अभी इस बात पर सहमत हो गए। देखिए, ये जो धरना आप देख रहे हैं ये कोई राजनीतिक धरना नहीं है, ये कहीं ना कहीं जब हर व्यक्तित्व के सम्मान की बात आती है तब वो यहाँ खड़ा होता है। लोग पूछ रहे क्या हो गया, हम किसी को आहत पहुँचाना नहीं चाहते हैं। 1934 से हमारे पूर्वज यहाँ दुर्गा जी की स्थापना करते आ रहे हैं, आज यहाँ बड़े बड़े ब्रिज बन गए, यहाँ बड़े बड़े गार्डन बन गए तो हम लोगों को मना किया जा रहा है। हम पर्यावरण के साथ हैं, हम गार्डन को मिटाना नहीं चाहते, हम 10x10 का अपना पंडाल लगाना चाहते हैं और जो भी नुकसान यहाँ के गार्डन का होगा उसका रखरखाव हमारी जिम्मेदारी होगी, इसके लिए हम प्रशासन से निवेदन कर रहे हैं और फिर ये धरना प्रदर्शन रखा गया है। मैं पारस जैन, संरक्षक दुर्गा उत्सव समिति। जबलपुर के गौरीघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत मॉर्निंग वॉक में निकली महिला के साथ बाइक सवार बदमाशों द्वारा लूट की घटना सामने आई है। घटना को अंजाम देते हुए बदमाश फरार हो गए। CCTV फुटेज में पुलिस को बाइक में सवार बदमाश के पीछे नकाबपोश महिला नजर आई। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर बाइक सवार आरोपियों की तलाश की जा रही है। दिनांक 1/10/2024 को मॉर्निंग वॉकिंग में गीत कॉलोनी बिहार की एक महिला है अलका भावे, जो मॉर्निंग वॉकिंग में गई हुई थी, जिसमें दो अज्ञात व्यक्ति एक महिला एक पुरुष के द्वारा किसी महिला के द्वारा उसके पीछा करके उसके पहने हुए मंगलसूत्र के झपट्टा मारी करके ले गए हैं, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। अभी अज्ञात हैं वो, बाइक चालक हैं दो, एक महिला और एक पुरुष के रूप में ट्रेस हुआ है फुटेज। कब की घटना? 1 तारीख की है, 1/10 की है। तो
जबलपुर के पाटन में शुक्रवार की दोपहर स्कूल वैन से एक तेज रफ्तार बाइक जा टकराई। इस घटना में वैन में बैठे 4 बच्चों को चोट आई है, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों ही बच्चों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। वहीं एक बाइक सवार को भी सीने में चोट आई है, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना के बाद घायल बच्चों को 108 और अन्य साधनों से पाटन अस्पताल लाया गया। अभी करीबन आध घंटे पहले आधार पब्लिक स्कूल की एक स्कूल वैन, जिसमें 9 बच्चे थे जो कि वासन तरफ जा रहे थे, पीछे से एक मोटरसाइकिल चालक बहुत तेज़ी और लापरवाही से पूर्वक गाड़ी चलाता हुआ आया। उसके द्वारा पीछे से उस वैन में टक्कर मारी गई, जिसमें करीबन 6 बच्चे घायल हुए हैं, जिनमें से 2 बच्चों को रेफ़र कर दिया गया है मेडिकल कॉलेज में उनकी स्थिति को देखते हुए। और जिसके द्वारा टक्कर मारी गई उसकी स्थिति भी नाजुक है, उसे भी रेफ़र कर दिया गया है। पता चल पाया सर कहाँ का मोटरसाइकिल सवार? मोटरसाइकिल सवार की जानकारी लगी है, संजू मल्ला कर इसका नाम है, उम्र 24 साल, निवासी हरदुआ बौना का है। अभी क्या कार्रवाई की जा रही है? ना अभी तो ट्रीटमेंट ही हमारी पहली प्रायोरिटी है, उसके बाद अग्रिम विधानिक कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। जबलपुर के थाना रांची बापूनगर में बापू सोनकर पिता स्वर्गीय गंगाराम सोनकर निवासी बापूनगर रांची के कब्जे से 340 पाव देशी मदिरा, लाल मसाला व 50 पाव देसी माजरा प्लेन शराब, कल 390 पाव शराब जब्त की गई, जिसमें थाना रांची के प्रधान आरक्षक प्रदीप तिवारी, पुरुषोत्तम अहिरवार, सुनील दुबे, आरक्षक मनीष पटेल की सराहनीय भूमिका रही। जबलपुर के आधारताल के अलावा अन्य थानों में भी शराब की प्रतिबंधित कार्रवाई की गई। देखिए कल सभी को पता है कि 2 अक्टूबर को ड्राई डे था और इसलिए पुलिस के द्वारा लगातार चौकसी रखी गई, क्राइम ब्रांच के द्वारा सभी टीमों के द्वारा लगातार कार्रवाई की गई और इसमें थाना रांची के अंतर्गत बापू नगर में एक बाबू सोनकर नाम के व्यक्ति से काफी अधिक मात्रा में करीब 7-8 पेटी दारू पकड़ी है और उसको थाना रांची में कार्रवाई हेतु दिया गया है। इसी तरह से अन्य थानों गढ़ा, माड़ोताल, आधारताल, इन थानों में भी अलग अलग संख्या में कुल करीब 6-7 प्रकरण शराब के, अगर शराब के भंडारण के और विक्रय के क्राइम ब्रांच के द्वारा पकड़ के संबंधित थानों को दिया गया। जबलपुर में हितकारिणी महोत्सव का शुभारंभ 20 सितंबर से स्वरचित काव्य पाठ प्रतियोगिता के साथ हितकारिणी BMD विद्यालय दीक्षितपुरा से हुआ, जिसमें बुक टॉक, टॉक शो, बैडमिंटन, खो खो, वॉलीबॉल, कबड्डी तथा एकल नृत्य तथा सामूहिक नृत्य प्रतियोगिताएं संपन्न की गईं। आज समापन समारोह में प्रत्येक प्रतियोगिता के विजेताओं को एक चैंपियनशिप ट्रॉफी, मेडल व सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा सबसे पहले तो ये निवेदन है कि हितकारिणी सभा जबलपुर महाकौशल मध्य प्रदेश भर में पूरे हिंदुस्तान की एक प्राचीनतम संस्था है, जो 1868 में अस्तित्व में आई। इस वर्ष हम 156वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। हितकारिणी महोत्सव में हमारे जितने शालाएँ और महाविद्यालय हैं सबको कला, साहित्य, संगीत और खेलकूद के मामलों में उनकी प्रतिभा के निखार के लिए विद्या परिषद के माध्यम से आयोजन होते हैं, जो 15 से लेकर 20 दिन तक होते हैं। आज रेले रेस, पीकी और एरोबिक प्रतियोगिताएं हैं। हम हितकारिणी के इस महोत्सव में विद्यार्थियों की सहभागिता से अत्यधिक प्रभावित होते हैं। सारे लोग जो हितकारिणी से जुड़े हुए हैं, टीम वर्क के साथ पूरे जोश खरोश के साथ 15 दिन में आपको किसी के चेहरे पर थकान दिख रही है। जितनी टीम के लोग सब के सब मिल के इस आयोजन को सफल बनाने में मेहनत करते हैं और इसकी पूरे देश में खबर जाती है। इस बार का महोत्सव भी जयेश राठौर जी विद्या परिषद के सचिव के रूप में लगातार सक्रिय रह के बहुत अच्छी तरह से उन्होंने
सारे कार्यक्रमों को संचालित किया है। मेरे ख्याल से उसके बाद सिर्फ गरबा का एक कार्यक्रम रह गया है, उसमें भी हम आप लोगों को आमंत्रित करते हैं, पधारिए और गरबा की प्रस्तुतियों को भी देखिए। धन्यवाद। आपका नाम? नित परिया, अध्यक्ष हितकारिणी सभा जो बनाया। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो आयोजन कारणी महोत्सव का है, लगातार 15 दिन से चालू हुआ है। आज का जो कार्यक्रम है, पीटी, एरोबिक्स, जिम्नास्टिक्स, रिले रेस का आज संगम है। बच्चे छोटे छोटे स्तर से, स्कूल के प्राइमरी स्तर से बच्चे और कॉलेज स्तर के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत ही अच्छा तालमेल रहता है और बहुत ही उत्साह रहता है बच्चों में। और साल भर इसका इंतज़ार करते हैं बच्चे कि ये महोत्सव का आयोजन हो। मैं हमेशा से मंच में, मंच कल्चरल जो शामिल है, स्पोर्ट्स और पढ़ाई के लिए हम लोग विशेष प्रयास करते हैं और बच्चों को अच्छा मंच देते हैं। यह कार्यक्रम कितने वर्षों से चल रहा है सर? ये हितकारिणी सभा की परंपरा है। शुरुआत से, जब से हितकारिणी का स्थापना हुई है, तभी से ये चल रहा है। धीरे धीरे वो और बेहतर होता जा रहा है साल दर साल, और नए प्रयास किए जा रहे हैं और बेहतर करना। आपका नाम? मैं जयेश सिंह राठौर, मंत्री हितकारिणी विद्या परिषद। थैंक यू सर, थैंक यू सर।